मैं खुद ऐसी चीज के लिए रुका था बहुत टाइम से, एंड व्हेन दिस सॉन्ग हैड कम टू मी, तो मैंने सबसे पहली चीज यही पूछी थी कि कॉन्सेप्चुलाइज है कि इट्स जस्ट द सेम लाइक जैसे चलता हुआ आ रहा है. हाँ यूजुअली तो मुझे बोला गया था कि नहीं नहीं बहुत काफी एकदम अच्छा. ओके 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 फाइन फाइन फाइन. नया नया होगा तो आदत, नया नया आदत नहीं मुझे. सो जब मुझे बताया गया था स्टोरी के बारे में, तो वाइज लाइक यार इसने तो मैं मस्त एजेंट बना हुआ हूँ, कर लेते चलो डाल. बट देन व्हेन वी शॉट, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट हुआ है और इट्स कम आउट रियली नाइस. सो माय एक्सपीरियंस वाज वेरी कोल्ड ओवर देयर. बहुत कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी. बहुत ही ज़्यादा ठंड थी सच में. एंड एक छोटा सा पहाड़ था वहाँ पे, जो स्टार्ट का ही पार्ट था, जिसमें मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं सोया, मुझे थोड़ा वक्त दो. तो आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज ठंड तो ठीक है चल जाती, बट जो हवाएं आती है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हवाएं आपको सीधा मारती है और पहाड़ों की हवाएं मतलब सुभान अल्लाह. तो मैं बोलने जा रहा था कि बस मुझे थोड़ा वक्त दो. तो जो बस होता है ना, तो लिप्स मेरे इतने ड्राई हो गए थे कि मेरा जो बस था वो ऐसे अटक नहीं, गया. ड्राई नहीं थे, फ्रीज ड्राई हो नहीं, चुके थे. फ्रीज हो चुके हाँ थे. अब वो आई डोंट नो ड्राई फ्रीज कुछ समझ नहीं नहीं यू आता. कुडंट मूव योर लिप. तो वो बस मुझे एक से वो बस ही नहीं बोला जा रहा था जैसे. मैंने वाज लाइक हो क्या रहा है. सो आई टच्ड हिज लिप्स, हिज लिप वाज कंप्लीटली फ्रोजन एंड ही लाइक मुझे हिलाया नहीं जा रहा मेरा लिप, वो बस वर्ड नहीं निकल रहा है. पर बहुत बहुत मजा आया शूट करने में, काफी मजा आया, बहुत मजा आया. एंड एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि यूनिट कम थी. यू नो जब आप ऐसे कंडीशंस में शूट करते हैं, स्पेशली म्यूजिक वीडियो, और उसको एक फिल्म का फील भी देना है आपको, तो यूनिट आप हमेशा कम लेके जाते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू शूट इन दोस प्लेसेस. बट उतने छोटे यूनिट में भी इतना बड़ा काम हम कर गए, तो बहुत मजा आया. एंड इट वॉज लवली बिकॉज अफसाना की जो आवाज है उसके ऊपर परफॉर्म करना, आई थिंक कोई भी एक्टर के लिए एक एक स्कोप ऑफ वर्क होता है टू शो योर यू नो योर टैलेंट. सो आई थिंक हर वॉइस इज ब्यूटीफुल एंड आई होप दैट पीपल लव द वीडियो. जब हम गाने सिलेक्ट करते हैं या हमारे पास कोई गाने आते हैं एज एन ऑफर, वी वेरी वेरी पर्टिक्युलर अबाउट द सॉन्ग. और जब सॉन्ग आपको एक सेकंड में क्लिक कर जाता है, तो वीडियो का कॉन्सेप्ट एंड लोकेशन एंड ऑल ऑफ दैट वो बाद की बात आती है. यू नो उसके ऊपर आप और कैसे उसे गाने को निखार सको. सो व्हेन वी हर्ड द सॉन्ग वी न्यू वी लाइक गाना बहुत अच्छा है. अफसाना की आवाज वाज जस्ट हमारे कानों में यू नो गूंज रही थी. एंड यस आई ऑल्सो हैव अ नेचुरली हस्की वॉइस, तो आई थिंक हर वॉइस सूट्स माई फेस ऑल्सो. काफी लोग हैं. हाँ टीजर टीजर जब बाहर आ चुका था, तो मुझे मेरे एक दो तीन फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर ही है इंडस्ट्री में, तो दे एक्चुअली कॉल्ड मी एट नाइट एंड दे वर लाइक, अरे मैंने टीजर अभी भी देखा यार, ऐसे लग रहा है कि गौहर ही गाना गा रही है. हाँ प्लीज जाके भाभी को बोलना कि एकदम उनकी आवाज़ और अफसाना जी की आवाज़ और एकदम सूट कर रही है उनपे. Yeah. So on screen chemistry कैसी रही, improvisation में?